मैं आ गई हूँ सेंट्रल लंदन और मैं खड़ी हूँ सोहो में। ये एरिया बहुत ही हैपनिंग लगता है और इसका नाइट लाइफ बहुत अच्छा है और डेकोरेशन तो इतना ज़बरदस्त है कि मैं क्या बोलूँ आपको। मैं दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लोग भी बहुत है, लोग सारे यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, लंच करने के लिए आए हैं। मैं भी लंच करने के लिए आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी लंच करने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने फैट पंडित रेस्टोरेंट में। ये इंडो चाइनीज़ फूड के लिए फेमस है। एक्चुअली ये कोलकाता से ये इसका कंसेप्ट जो आया है कोलकाता से आया है, क्योंकि 1800 में बहुत सारे चाइनीज़ माइग्रेट हुए थे। कोलकाता में एक प्लेस है जहाँ जिसका नाम है टैंगरा, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आया है। आजकल तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है इंडो चाइनीज़ फूड। इन्होंने फ्यूज़न किया है चाइनीज़ फूड को थोड़ा सा इंडियन टच देके और इंडियन रेसिपी को थोड़ा सा चाइनीज़ टच देके। तो चलिए मैं जाती हूँ वहाँ पे, उसका मेन्यू में क्या क्या है ये मैं आपको दिखाऊँगी और मैं भी खाती हूँ, क्या क्या खाती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। मैं अभी आ गई हूँ फैट पंडित रेस्टोरेंट में। मेनू में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने ऑर्डर किया है स्टार्टर में क्रैकलिंग स्पिनच और चिकन लॉलीपॉप एंड चिकन मोमो। तो ये स्टार्टर में तो ऑर्डर कर दिया है। और यहाँ का क्रैकलिंग स्पिनच बहुत फेमस है मैंने सुना है, और दिखा के देखती हूँ पर कैसा होगा। पर इस साल मैं थोड़ा उल्टा करूँगी, मैं सोच रही हूँ मैं मेन कोर्स से स्टार्ट करूँगी। तो मेन कोर्स में मैंने लिया है सेज़वान हक्का नूडल्स एंड चिकन मंचूरियन। यहाँ का चिकन मंचूरियन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, श्रेडेड चिकन होती है उस तरह का, कोई बॉल्स नहीं बना हुआ है। तो मैं अभी ले रही हूँ सेज़वान नूडल्स एंड चिकन मंचूरियन खा के पहले देखती हूँ, क्योंकि इस साल थोड़ा उल्टा कर रही हूँ। मैंने मेन कोर्स से स्टार्ट मैंने किया है, बाद में स्टार्टर खाऊँगी। तो अभी खा के देखती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी लगा है चिकन मंचूरियन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप के साथ उन्होंने चटनी दिया है, वो भी बहुत टेस्टी है। और लॉलीपॉप बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत टेस्टी लग रही है खाने में। तो एक्चुअली इंडिया की याद आ गई मुझे। और अभी मैं ट्राई करूँगी मोमोज, चिकन मोमोज। तो चिकन मोमो के साथ उन्होंने गार्लिक चटनी दिया है और स्वीट चिली सॉस दिया है, तो वो भी ट्राई करती हूँ वो कैसा लग रहा है। देखती हूँ यहाँ पे, इंडिया में तो खाते हैं बहुत अच्छा लगता है, यहाँ भी देखते हैं चिकन मोमो। तो यहाँ का भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, अच्छा लगा है। और अभी ट्राई करती हूँ क्रैकलिंग स्पिनच। क्रैकलिंग स्पिनच वो लोग स्पिनच को डीप फ्राई करते हैं, थोड़ा चाट टाइप बनाते हैं, उसमें चटनीज, योगर्ट, पोमोग्रेनेट सब डाल के। तो ये तो इतना यम्मी लगा, बहुत ही अच्छा लगा है खाने में। अभी लंच फिनिश हो गया है मेरा और मैं जा रही हूँ सोहो एरिया से ही, तो अभी रश और ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो और सुंदर लग रहा है देखने के लिए। तो मैं तो जा रही हूँ इधर से ही, फिर थोड़ा कुछ मुझे देखना है शॉपिंग के लिए, तो मैं यहीं से निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है, स्नोमैन बनाया है उन्होंने और बर्ड भी बनाया, तो अच्छा लग रहा है देखने में। और रश हो रही है, अभी इवनिंग टाइम हो रहा है। लाइटिंग और डेकोरेशन का मज़ा लेते हुए मैं वॉक करते करते अभी मैं पहुंच गई हूं एक अप मार्केट डिपार्टमेंट स्टोर जिसका नाम है फोर्टनम एंड मैसन। ये 300 साल पुरानी स्टोर है और काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रेस्टोरेंट है, आफ्टरनून टी है और डेकोरेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और इसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स यहाँ के फेमस हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रूट शेप में उन्होंने चॉकलेट्स बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और गिफ्ट देने के लिए उन्होंने गिफ्ट छोटे छोटे बैग जैसे बनाए हैं, किसी को आप गिफ्ट दे सकते हो न्यू ईयर में, क्रिसमस में, इस तरह से। और भी बहुत सारे चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, और है यहाँ पर हॉट चॉकलेट,
हॉट चॉकलेट भी फेमस है यहाँ का, और है बहुत सारे नट्स जो कि चॉकलेट कोटेड है, जैसे कि हेज़लनट, वॉलनट, कैशू, आमंड, इस तरह का चॉकलेट्स उन्होंने, इस तरह का नट्स उन्होंने चॉकलेट कोटेड किया हुआ है। और यहाँ पे मिल रहे हैं कुकीज़, जिंजर कुकीज़ काफ़ी फेमस है। तो मैं अभी शॉप को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ। टायर्ड हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं शॉपिंग किया, सिर्फ विंडो शॉपिंग हुई, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला ही था, क्योंकि मैं स्टोर में जब जाती हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतने सारे कपड़े और इतने लोग, मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने कुछ कुछ शॉपिंग किया है। तो अभी हम वॉक करके जैसे थक गए तो अभी कॉफ़ी शॉप में आ गई, तो मैंने कॉफ़ी ले लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ कॉफ़ी पी के, फिर मैं घर जाऊंगी। तो मैं चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। उसके पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बाय।